नमस्कार बॉलीवुड, मैं रामा भट्ट, बॉलीवुड फोटोग्राफर कैमरामैन और आपका प्यारा दोस्त। आज हम आए हैं अपनी फिल्म की शूट करने के लिए खुरपा ताल, नैनीताल से लेकर नैनीताल से 7 किलोमीटर के बाद खुरपा ताल पड़ता है, वहाँ पर हम आए हैं। और वहाँ पर एक ब्रिज है जहाँ पर हमारा बस हाईजेक होता है या और जो गुंडे हैं वो साथ में रहे। ये खूबसूरत लोकेशन है, ये पुल है जो हमको उड़ाना है और यहीं पे भी बस भी किडनेप होती है, उसको भी उड़ाया जाता है। और हमारे फ्लाइट डायरेक्शन पूरी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, पूरी टीम है हमारे साथ में, पूरी गाड़ियों का काफिला है। और अच्छा लग रहा है, ये लोकेशन बहुत प्यारा है उत्तराखंड का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोकेशन कितना प्यारा है, ये लोकेशन है ना, तो नैनीताल की जगह है और बहुत ही खूबसूरत है। खुरपा ताल की तरफ रोड जा रही है, वहाँ पर ब्रिज पड़ते हैं, दो बहुत ही अच्छे ब्रिज हैं। और हम बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे इस समय हम, ये देखिए रोड जो जा रही है बैंड है, यहाँ पर जैसे मसूरी में है वैसे यहाँ पे है। और हमारा जो है हिमाचल की इसी से मिलता जुलता है पूरा। ये देखिए किस तरह से गाड़ी घूमी, ये भाई साहब हमारे यहाँ है ना, ये जो हमारे हथियार बनाते हैं नकली, ये 420 आदमी और नकली हथियार बना के लोगों को डराते हैं। ये इन्होंने जो खुपरी जो तलवार है इन्होंने बनाई है ना, इस तरीके से। ये देखिए हमारे साथ एक टीम को मैं इंट्रोड्यूशन करवा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये चाचा है, भविष्य के सुपर आर्डर, भविष्य का सुपर आर्डर और बहुत ही डमी करेक्टर और डमी चीजें बनाते हैं, सब डमी डमी बोलते हैं हमने पिक्चर की है। मैंने कहा वाह वेरी गुड, ये हमारे स्पोर्ट बॉय है, कश्मीर से आए हैं। मच्छर मैं मच्छर मारता हूँ, ऐसे ऐसे मच्छर मारता हूँ, खच्चर मारता है। ये हमारे दादा बहुत, ये मेकअप दादा हमारे, और बड़ी टेंशन में रहते हैं क्योंकि यहाँ काले हो चुके हैं। मजेदार ये है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, कपड़ा लेना है। ये हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर ईपी सब कुछ है और उत्तराखंड के बहुत कुछ है, हमारे बड़े भाई है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ देख सकते हैं इनको हर जगह और अच्छा लगा इनके साथ काम करके। ये ड्रेस दादा है, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, जो भी करते हैं ड्रेस पहनाना होता है ना, इन्हीं का काम है। ये देखो हमारे प्रोडक्शन भाई, ये बहुत दिनों बाद बहुत ही एक्टिव है। सिर्फ ये है कि जब इनको आवाज़ 4 बार नहीं देंगे तब तक सुनेंगे नहीं, हमें 10 बार आवाज़ देनी पड़ती है। ये देखिए हमारे आर्टिस्ट हर हर महादेव, ये डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन में भी रहते हैं, एक्टर भी है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है, जो बोले सारे टैलेंट इन्हीं पे घुसे पड़े हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आतंकवादी बने हैं, ठीक है, ओके।